वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है मारुति सुजुकी वैगनार एलएक्सआई वर्जन, और दोस्तों इसमें अब पावर विंडो का दोस्तों प्रॉब्लम हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दोस्तों बटन है ये वर्किंग तो हो रही है बट दोस्तों कभी कभी वर्क नहीं होता। ये जो बटन है दोस्तों नीचे गया तो नीचे ही रहता है, ये देखिए ऊपर गया तो ऊपर ही रहता है, नीचे गया तो नीचे ही रहता है। ये जिस तरीके से दोस्तों ये देखो वर्क कर रहा है, इस तरीके से नहीं होता। तो दोस्तों इसके लिए हम ये सर्किट पूरा चेंज करने जा रहे हैं। ये दोस्तों सर्किट जो है वो हमें 1000 रुपये के आसपास पड़ा है। दोस्तों मैं आपको एक बार ओपन करके बता रहा हूँ, ओपन करो इसको। ये देखा दोस्तों हमारा सर्किट, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये न्यू सर्किट यहाँ पे लगेगा, ओल्ड सर्किट को हमें निकालना है। तो दोस्तों इसे कैसे चेंज करते हैं, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, मैं आपको पूरा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये डोर रिमूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों डोर रिमूव करने के लिए यहाँ पे अंदर में दोस्तों एक स्क्रू है और यहाँ पे एक स्क्रू है। ये दोस्तों दो स्क्रू निकालने के बाद ये पूरा प्रॉपर मैं बाहर निकाल लूँगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये स्क्रू खोलो तो दोस्तों देख सकते हैं, ये स्क्रू को हम ओपन कर रहे हैं। और दोस्तों ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट है नहीं, क्योंकि दोस्तों वैगनर का बहुत इजी होता है खोलना। बस दोस्तों हमें खींचते वक्त ध्यान रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा प्रॉपर दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों ये एक स्क्रू होता है, इसे भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों दोनों स्क्रू को हम साइड में रख लेंगे और फिर इसे कैसे निकालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा निकल गया। अभी दोस्तों ना हमें यहाँ पे ना स्क्रू ड्राइवर लगा के इसे बस बार बार खींच लेना है और इसे पूरा निकालना है। मैं पूरा बाहर निकाल के ले लेते हैं। तो दोस्तों अभी दोस्तों यहाँ से मैंने इसे निकाल दिया है। अब दोस्तों हमें ये देखिए सिंपली ऊपर उठाना, ये आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए ये सर्किट लगा हुआ रहता है, इस सर्किट को हमें रिमूव करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं इसे पहले निकाल के ले देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो सर्किट है वो मैंने निकाल दिया, और ये दोस्तों ये रहा हमारा बटन का सेट जो कि यहाँ पे स्क्रू फिक्स है। ये दोनों स्क्रू निकाल लेंगे, सॉरी तीन है, तीनों स्क्रू को निकालेंगे, इसे बाहर निकाल के डायरेक्ट वो यहाँ पर फिक्स कर देंगे। फटाफट से इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट स्क्रू हम निकाल रहे, और ये स्क्रू दोस्तों जो होते हैं वो अपने रेगुलर स्क्रू लगते हैं, तो अगर गुम भी हो जाए तो भी दोस्तों आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। बट दोस्तों ध्यान रखना, इसके लिए साइड में अगर हार्डवेयर हो तो ही इसे खोलना, मतलब कहीं पे रखना, ठीक है। तो अभी इन तीनों को हम रिमूव करके ले लेते हैं और देखते हैं आगे इसे कैसे निकालना है, फटाफट से निकाल लेते हैं इसे। तो दोस्तों तीनों स्क्रू मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों इसे बाहर निकाल लेते, बाहर लो इसे, और दोस्तों देखते हैं इसे किस तरीके से निकालना है। अब दोस्तों हमें इसे निकालना है, तो मैं पहले यहाँ से ट्राई करता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये आ गया बाहर, तो दोस्तों इसे ले लेते बाहर। ये देखिए दोस्तों अभी हमारा इसे निकालना है दोस्तों, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों इसे ये लॉक पे फिट होता है, तो दोस्तों इसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है निकालना। फिर भी मैं आपको आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ, उसे साइड में रख लो। तो दोस्तों इसे मैंने निकाल लिया, रिमूव कर लिया। ये देखिए ये सर्किट हमारा आ चुका है बाहर। अभी दोस्तों न्यू सर्किट यहाँ पे डालते हैं। इसका दोस्तों प्रॉब्लम क्या था मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये जो बटन है ये प्रेस हो रहा था, ये देखिए प्रेस हो रहा था, लेकिन ये इस तरीके से चलता था, और ये बटन देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम थी हमारी, तो इसके लिए ये पूरा सर्किट चेंज करना पड़ा। ये एक्चुअली सिंगल नहीं मिलता, तो अभी दोस्तों हम सीधे सीधे इसे न्यू डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों ये देखिए ये सारा कुछ दोस्तों प्रॉपर है। तो अभी हम यहाँ पे इसे सिंपली इस तरीके से आराम आराम से प्रेस कर देंगे। ये दोस्तों अपनी जगह पे सेट हो गया। अभी दोस्तों कुछ नहीं, जिस तरीके से हमने निकाला उस तरीके से इसे यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे इसके लॉक्स होते हैं, ये देखिए ये लॉक्स में इस तरीके से बैठता है। और अब दोस्तों हमने जो तीन स्क्रू रिमूव किए थे उन स्क्रूज को लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ का एक स्क्रू जो है वो यहाँ लगता है, और दोस्तों हम ये नाइट में कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों दिन भर हम बिजी होते हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों ये भी हो गया, और अब दोस्तों जो आखिरी वाला बचा है जो कि यहाँ पे होता है, इसे भी दोस्तों हम फटाफट से इस तरीके से लगा देंगे। बहुत आसान है दोस्तों, आप घर पे ही चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बस इसकी ज़रूरत है बस। अभी दोस्तों हमारा जो है प्रॉपर यहाँ पे लग गया, देख सकते हैं। ये देखिए वर्किंग भी हो रहा है एकदम आराम से, कोई इशू नहीं। अभी दोस्तों बारी है इसके लगाने की। लगाने से पहले दोस्तों जो हमने सेंसर निकाला था वो एक बार लगा के हम यहाँ पे बाहर के बाहर चेक कर लेंगे इसे। दोस्तों सिंपली यहाँ पे अंदर ओके लॉक का आवाज़ आ गया, अभी यहाँ से ऑन करते। अभी दोस्तों यहाँ पे ऑटो की लाइट भी जल गई है, आपको दिखेगी नहीं फ्लैश में। इस तरीके से अगर हम
विदाउट फ्लैश देखे तो दिखेगा। अभी दोस्तों मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों इजीली ऊपर जा रहे, और अभी डाउन कर रहा हूँ। और अब दोस्तों वहाँ पे ध्यान देते हैं, वो भी दोस्तों आ रही ऊपर। तो दोस्तों हमारा जो काम है वो प्रॉपरली हो चुका है, अभी यहाँ से वापस से फिट कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसे इस तरीके से ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे ना दोस्तों एक गैप होती है, उस गैप में आपको ढकलना है। जब तक दोस्तों उस गैप में जाएगा नहीं, ये लगेगा नहीं, ये देखिए लगेगा नहीं जब तक उस गैप में जाएगा नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसे यहाँ पे सेट करके ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्लैश की ज़रूरत पड़ेगी, और बाद में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों इसके कोई लॉक्स वगैरह ऑलरेडी रहते हैं दोस्तों, बस बट इसे नहीं थे। तो सिंपली हमें यहाँ पे इस तरीके से एक बार इस तरीके से हाथ मार लेना पूरी तरह, ये प्रॉपर फिक्स हो गया। अभी दोस्तों बारी जो है वो जो हमने निकाला था यहाँ पे, उसकी बारी है दोस्तों। यहाँ पे लगा लेते स्क्रू जो कि हमने रिमूव किया था, ये टाइट हो गया। अब दोस्तों हमने जो यहाँ से निकाला था ये, इसे भी लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों इसे लगाते वक्त ध्यान रखिए इस तरीके से बैठता है। और अब दोस्तों फाइनली जो है स्क्रू हमारा लग रहा है। देखिए दोस्तों ये इजीली अभी चला गया दोस्तों, ये देख सकते हैं प्रॉपर फिट हो चुका है, कोई इशू नहीं। ये रहा हमारा ओल्ड सर्किट और ये रहा हमारा न्यू। दोस्तों फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये दोस्तों लॉक होता है, अगर जब ये लॉक रहेगा तब वो वाली जो विंडो है वो अप डाउन नहीं करेगी, वो देखिए अप डाउन नहीं कर रही, लेकिन ये जब ऑन रहेगा तब हो जाएगा। और ये भी देखिए प्रॉपर हो रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।